हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं तनु। काफ़ी लोग अपने बालों के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि हम अपने बालों में ऐसा क्या लगाएं जिससे उनके बालों का झड़ना ख़त्म हो जाए। बाल रफ़ हैं तो किस तरीके से अपने डैमेज बालों को रिपेयर करें, और जो दो मुँह बाल हैं उनसे कैसे छुटकारा पाएँ, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हेयर फॉल की। हेयर फॉल को कैसे रोका जाए, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों का झड़ना जो है कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो आपके बालों की क्वालिटी है वो भी सही होने लगेगी। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी तरीके से बालों की केयर भी कर रहे हैं, टाइम पे हेयर वॉश भी कर रहे हैं, ऑयल भी लगा रहे हैं और हेयर पैक भी लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो, क्योंकि आयरन की कमी से भी बाल जो है झड़ने लगते हैं, विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो आप उसका भी ध्यान रखें कि आप डाइट अच्छी लें, टेंशन ज़्यादा ना लें, और पॉल्यूशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है, लेकिन अगर आप ठीक से केयर करेंगे तो वो धीरे धीरे में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी है तो वो तो विटामिन्स को पूरा करने के बाद ही कुछ ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उससे आपके बालों का झड़ना जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल्कुल जड़ से बाल निकलना बंद हो जाएंगे। आपको वो एक महीने तक तो ट्राई करना ही होगा, आपको एक महीने तक लगाना है, और एक महीने में ही आपको जो है फ़र्क दिखने लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो वो आपके धीरे धीरे जो बालों की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे सुधरने लगेगी। और जो तेल हमने बनाया है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है, और हमने जो भी चीज़ उसमें ऐड की है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उस तेल का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर कोई उम्र के लोग लगा सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि उस हेयर ऑयल को किस तरीके से बनाना है और एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, तेल बनाने के लिए हमें लेना है यहाँ पर एक पैन, गैस पे रख देना है, गैस की फ्लेम को जो है लो ही रखें पहले, और उसके बाद आप उसमें ऐड करिए कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल नहीं है तो उसकी जगह आप तिल का तेल ले सकते हैं, और अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार के यूज़ के हिसाब से ही बना रही हूँ, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर करीब 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया होगा। उसके बाद ये थोड़ा देर गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना सभी को पता है कि बालों के लिए कितना अच्छा है। अगर आप मेथी दाने का यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए तो एक तो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपके बालों को घना बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और आपके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट चाहिए वो है प्याज, यानी कि अनियन। प्याज हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छी है। इसका रस इस्तेमाल करते हैं आप तो आप इसका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक प्याज लिया था, उसको काट लिया है। और फ्रेंड्स, सल्फ़र की वजह से अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो प्याज में सल्फ़र होता है, इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना जो है वो रुक जाता है। उसके बाद हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है करी पत्ता। करी पत्ता आपके बालों को काला बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही रहने देंगे। फ्रेंड्स, आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज़ मत करिए, अगर आप तेज़ कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपने जो भी चीज़ ऐड की है वो तुरंत से जल जाएगी, और जो प्याज है, मेथी है, करी पत्ता है, उसके तत्व जो है ऑयल में नहीं आ पाएंगे। तो जो आप गैस को लो ही रखें, लो में ही पकाएं। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तब आपको गैस को बंद करना है। आप चलाते भी रहिए बीच बीच में। इस तेल के आपको कई सारे फ़ायदे मिलेंगे, तो ये आपको चलाते रहना है। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ये
तेल बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, जो आप मार्केट से तेल लेकर आते हैं उनसे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट वाले तेल जो हम ख़रीदते हैं तो वो एक तो महंगे भी बहुत मिलते हैं और उसका असर हो या ना हो ये भी हमें पता नहीं होता। अगर आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप पहले थोड़ा बना लीजिए फिर बाद में उसको ज़्यादा बना सकते हैं, तो इससे आपकी जो चीज़ है वो भी वेस्ट नहीं होगी, पैसे भी आपके वेस्ट नहीं होंगे और ये जो घर पे हम चीज़ें बनाते हैं उनके फ़ायदे भी मिलते हैं। तो अब ये हल्के हल्के ब्राउन होने लगा है, पूरी तरीके से जला भी मत देना, अगर पूरी तरीके से जल जाता है तो वो भी अच्छा नहीं होता है, तो हल्के हल्के आप इसको पकाइए। अब ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, अब हम इसकी गैस को जो है बंद कर देंगे। अभी ये गर्म है और धीरे धीरे पकता रहेगा तो ये और भी ब्राउन हो जाएगा, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और ये जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप छान लीजिए। ये तेल आपका बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा तेल है ये, क्योंकि हमने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपके बालों को ये फ़ायदा ही पहुँचाएगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके बालों में। तो आप इस तेल को स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, और फ्रेंड्स आप जब भी इसको स्टोर करके रखें तो आप कांच की बॉटल में ही स्टोर करके रखें, उसमें ज़्यादा सेफ रहता है और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चलता है। तो ये तेल तो जो बनकर आपका तैयार हो गया है, इसकी अब मैं एप्लीकेशन आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इस ऑयल को आप नाइट में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओवरनाइट रखिए जिससे कि आपके बालों को पूरा पोषण मिलेगा, इससे आपके बाल और भी जल्दी हेल्दी होंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे आप अपने बालों में लगे रहने दें। आप इस तेल को वीक में 2 या 3 बारी लगा सकते हैं और आप नाइट में लगाएं तो इस ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, रात में वैसे भी टाइम होता है तो आप पूरी रात लगा कर सो भी सकते हैं और नेक्स्ट डे जब आप उठे तो आप हेयर वॉश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नाइट में भी टाइम नहीं है लगाने का, आप नहीं चाहते हैं कि पूरी रात आपके सिर में ऑयल रहे, तो आप नहाने से पहले 2 से 3 घंटे पहले इस तेल को लगा लें। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस तेल को लगाएं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपके बालों में रहना चाहिए, तभी ये बालों में आपके वर्क कर पाएगा, वरना आपको आपका जो तेल लगाना है वो वेस्ट जाएगा, कोई भी फ़ायदा आपके बालों पर नहीं मिलेगा, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। और उसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं, जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं इस टाइम आप उससे अच्छे से मसाज करके शैम्पू कर लीजिए, तो इस तरीके से आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा, यूज़फुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।